कोरोना की वजह से शिवराज कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन दावेदारों की संख्या इतनी है, विस्तार के बाद असंतोष की भावना बढ़ने की संभावना पूर्ण रूप से नजर आ रही है। खासकर दिक्कत उन जगहों पर है जहां से सिंधिया गुट के लोग आते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी नेताओं की दावेदारी मंत्रिमंडल के लिए नजर आ रही है। आप सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थक 22 पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। 22 में से 6 लोग तत्कालीन कमलनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, लेकिन कोरोना की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के लोगों को शिवराज के सामने एडजस्ट करना मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर लोग ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। 22 में से 9 लोग मंत्री पद के दावेदार हैं। इस इलाके से बीजेपी के कई बड़े नेता सामने आते हैं। ऑपरेशन लोड्स को अंजाम तक पहुंचाने में उसी संभाग के 2 नेताओं की बड़ी भूमिका रही। साथ ही दूसरे अन्य भी दावेदार हैं जो शिवराज कैबिनेट में जगह चाहते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि अगर एक ही इलाके में बड़ी संख्या में लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देंगे तो आगे चलकर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना और अपने नेताओं को एडजस्ट करना, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब सिंधिया के समर्थकों को लेकर जिस तरह की भावना कमलनाथ सरकार में थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी वैसी ही भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया यही चाहेंगे कि कैबिनेट में जब कैबिनेट का गठन हो मध्य प्रदेश में तो उनके समर्थक विधायकों को जगह दी जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी ध्यान में रखना है, बीजेपी के नेताओं को भी यहाँ पर खुश करना है। अब देखना होगा सिंधिया के समर्थक और अपने पुराने साथी शिवराज सिंह चौहान कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। SPN9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।